इस सप्ताह में, नहीं तो 15 दिन में, नहीं तो महीने में एकाध उपवास, एकादशी का उपवास। और एकादशी के दिन जो चावल खाता है, कहते हैं कि उसको एक एक कीड़ा खाने का पाप लगता है। बोलो, जिनको पता नहीं, ऐसे लोग तो एकादशी के दिन साबूदाना की खीर बना के खाते हैं। वे लोग अगर साबूदाना किस ढंग से बनता है वो एक बार देख लें तो कभी साबूदाना को छुएंगे भी नहीं। आज हमारे एकादशी का उपवास है, अब ये नहीं खाएंगे। क्यों? भले हमने तो खीर खाई साबूदाना की, उससे तो रोटी सब्जी बना के खा लेते तो अच्छा था। बड़ा एक हौज जैसा होता है, उसके अंदर उस कोई वनस्पति और उसका वो होता है, कई दिनों तक खुले में पड़ा रहता है, धूप लगती है रात को, फिर कई दिनों तक फिर उसमें कीड़े वीड़े भी पड़ते हैं। उसको मिक्स करने के लिए फिर जैसे पहले के ज़माने में मैदे के आटे को बेकरी वाले पैरों से गूंदते थे, आजकल तो शायद मशीनें आ गई, और भी कईयों जगह ब्रेड बनाने के लिए मैदे के आटे में सोडा वगैरह डाल के पैरों से गूंदते हैं, फिर उसको पैरों से गूंदा जाता है, मशीन में डाला जाता है, फिर गोल गोल ऐसे घुमाते हैं, नीचे कुछ सुराख बने होते हैं, उसमें से दाना 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 निकलता जाता है। उसके साथ वो पैरों की गंदगी, उनके गंदे वाइब्रेशन, और साथ में जो कीड़े मकोड़े टाइप जंतु होते हैं वो भी अंदर पिसे जाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर पैक करके। ये तो साबूदाना है, एकादशी के दिन खाओ। क्या खा रहे हैं? ज्ञान नहीं है तो पहले हम भी एक दो बार खा लिए थे, पता चला तो बंद कर दिया। Thank you.